एमपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष बनाए जाने से एनएसयूआई नाराज नजर आई। एनएसयूआई ने इसका विरोध कर पुतला दहन किया। एनएसयूआई ने मसूरी में एमपीजी महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा एबीवीपी अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया और पुतला दहन किया और आरोप लगाया कि वो एबीवीपी को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं एबीवीपी ने भी एनएसयूआई के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रधानाचार्य को ज्ञापन देकर आरोपी शिक्षक को हटाने की मांग की। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस ने कहा कि कॉलेज का एक शिक्षक एबीवीपी को सपोर्ट करते हैं और उनकी बैठकों में जाते हैं, जबकि कॉलेज में नहीं आते, ऐसे में शिक्षक कैसे पढ़ाई करवाएंगे। वहीं छात्र नेता जसपाल गुंसाई ने कहा कि कॉलेज का एक शिक्षक लगातार एबीवीपी के बैठकों में जाते हैं और इस मानसिकता के शिक्षक कॉलेज में ही नहीं पूरे प्रदेश में नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी ने इस मामले में शिक्षक का समर्थन करते हुए एनएसयूआई के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र संघ के अध्यक्ष प्रीतम ने कहा कि एबीवीपी में शिक्षक आज नहीं बल्कि पहले से ही मार्गदर्शन के रूप में सहयोग करते हैं। एनएसयूआई का आरोप बेबुनियाद है। जैसा कि आपको पता है कि अखिल विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, या जिसमें बहुत सारे मार्गदर्शक हमारे गुरुजी जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं वो कॉलेजेस में या किसी भी आंतरिक या बाहरी रूप से हमें सहायता करते हैं। जो जैसाली सर हैं वो हमारे जिला प्रमुख भी हैं, आरएसएस के बहुत सारे दायित्व में भी रहे हैं। कि जैसे भी इन्होंने आरोप लगाए हैं सारे ही बेबुनियाद हैं। जैसे कि आपको ज्ञान दिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत सारे टीचर्स जो मार्गदर्शक रहते हैं, आज से ही नहीं बहुत पहले से इन चीज़ों का होता है। जैसे कि आज एनएसआई द्वारा जैसाली जी से जैसाली जी पे आरोप लगाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसाली सर कभी भी उन्होंने किसी भी छात्र का भेदभाव नहीं किया गया है। जो विपक्षी है, विपक्षी छात्र चुनाव आने वाले हैं उसके मोड में वो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी भी एक चीज़ याद देख लीजिए, कभी जैसाली सर ने किसी लड़के के साथ नामसाबी की है वो नहीं की गई है। कभी भी आप चीज़ें देख लीजिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन लोगों का विरोध करती है कि आप एक टीचर का विरोध कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं करते हो, एक टीचर की विरोध कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एमपीजी महाविद्यालय में आपने देखा होगा कि कल विद्यार्थी परिषद की यहाँ बैठक हुई, जिसमें इतिहास विषय के शिक्षक डॉक्टर जैसाली जी उस बैठक में सम्मिलित हुए, और जो कि हमें खबरों के माध्यम से हमने देखा कि वो एबीपी के शहर अध्यक्ष एक बार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।